Hello there everyone, welcome to CECA News. This is your host and dost Mimo taking you through today's news. Hey, what's up my dudes? जैसे कि आप सभी को पता है कि the Mobile World Conference 2018 is being held in Barcelona. And ये कल ही की खबर है कि Asus ने अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, उनकी बहुत ही पॉपुलर सीरीज जो है Zen फोन्स। तो उन्होंने Zenfone 5 बैक टू 5 उन्होंने कहा है इसे लॉन्च कर दिया है, जैसे कि इसकी डिजाइन आप देख सकते हो। तो एक Asus Zenfone 5 और एक 5 Lite की लॉन्च की गई है। हम इस वीडियो में Asus Zenfone 5 पे ही चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप इसकी डिजाइन देख सकते हो, बहुत ही ग्लीमिंग एल्यूमिनियम बॉडी की डिजाइन है। इसकी जो डिस्प्ले है दैट हैज बीन कर्व्ड टुवर्ड्स द एजेस मच लाइक गूगल पिक्सल एंड रेडमी नोट 5, ठीक है। एंड इसकी जो कैमरा आप देख सकते हो डुअल कैमरा सेटअप के साथ है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन है। इसके डिजाइन क्वालिटी में देख लेते हैं कि यह है उसका ओवरऑल व्यू, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसकी जो कैमरा सेटअप है, और उसके साथ इसकी डिस्प्ले को ऐसा रखा गया है, यह कहा जा रहा है कि इट इज अ क्लोन ऑफ द आईफोन एक्स। क्यों है तो चलिए कंपैरिजन में हम थोड़ा देख लेते हैं। एज यू कैन सी हमारे सामने एक तरफ है Zenfone 5 और दूसरी तरफ है iPhone X। तो दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटी दिखा? आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दोनों में ही दे आर यूजिंग द नॉच। तो मोस्ट प्रोबेबली Zenfone 5 बिकम्स द फर्स्ट एंड्रॉयड फोन जहां पे दे हैव इंप्लीमेंटेड द यूसेज ऑफ दिस नॉच। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे एंड्रॉयड फोन्स देखे हैं बेजललेस डिजाइन के साथ, लेकिन उन्होंने कहीं बेजल्स को एकदम स्लिम डाउन किया है, लेकिन नॉच का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे मुझे याद आ रहा है एसेंशियल फोन के बारे में, जहां पे बीच में एक कटआउट था एंड दैट वाज अ प्रिटी स्लिम कटआउट, लेकिन इतना बड़ा नॉच ऑलमोस्ट सिमिलर टू आईफोन हमें किसी भी फोन में इससे पहले देखने को नहीं मिला। तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो इट लुक्स मच सिमिलर टू आईफोन एक्स। तो ये जो साइड बाय साइड इसको हम रखते हैं तो जो देखने को मिलता है दैट दिस नॉच इज द वाइटल पॉइंट ऑफ Asus Zenfone। अब ये किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती, सो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, बट फॉर अस वी डोंट लाइक दिस नॉच दैट वेल, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्रीन कट ऑफ हो जाती है जब आप वीडियो देखने जाते हो ऑन YouTube और एनी अदर प्लेटफॉर्म, तो थोड़ी सी वहां पे कट आउट हो जाती है वीडियो एंड इट लुक्स टू सिमेट्रिक टू द आई, ठीक है। तो वैसे डिस्प्ले बहुत अच्छी है इसकी, जैसे कि आप देख सकते हो राउंडेड टुवर्ड्स द एज है, इवन द स्क्रीन इज राउंडेड मच लाइक दिस आईफोन। तो इसके साथ आप इसको सिमिलरिटी मिल जाती है, और डिस्प्ले इज क्वाइट गुड एंड द मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट इज द नॉच। तो चलिए हम इसको अभी कंपैरिजन करेंगे विथ एक or phone which has been launched in the mobile conference from the franchise of Galaxy, that is Samsung Galaxy S9 Plus. तो चलिए हम एक वो comparison कर लेते हैं, versus करवा लेते हैं, and let's see how the phones perform against each other. तो ये है chart जिसमें आप देख सकते हो एक तरफ हमने रखा है Asus Zenfone 5 को, दूसरी तरफ हमने रखा है Samsung Galaxy S9 Plus को। तो इन दोनों की फीचर्स को हमने चार्ट आउट कर दिया है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स जो है फरवरी दैट इज दिस मंथ में ही लॉन्च हुई है एट द मोबाइल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2018, एंड बोथ दी phones are coming with hybrid SIM slot, जिसका मतलब आपको पता है कि you need to compromise between a SIM and one expandable SD card. स्क्रीन की अगर बात करें तो साइज दोनों की ऑलमोस्ट सेम है 6.2 इंचेस एंड 6.2 इंचेस, लेकिन डिफरेंस इज इन द रेजोल्यूशन, जहां पे S9 प्लस में आपको 2960x1440 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1080p की मिलती है विद 2246. तो डिस्प्ले के मामले में, रेजोल्यूशन के मामले में Asus Zen 5 is not at par with S9 Plus. तो रेशियो की अगर बात करें तो सिंस ऑल फोन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी एंड बेजललेस डिस्प्ले, तो एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स द 18:9 फॉर्मेट rather than 16:9 फॉर्मेट प्रीवियसली. तो दोनों ही फोन्स में हम लोगों को दिख रहा है कि 18.5:9, दैट इज दे हैव टेकन वन स्टेप फॉरवर्ड इन द कंपटीशन, जबकि सारे फोन्स 18:9 रेशियो की आ रही है. दे हैव रेज्ड द बार एंड 18.5:9 रखा गया है. डेंसिटी की अगर बात करें तो पिक्सल काउंट में S9 अगेन इज वन नॉच अहेड, 529 ppi, and this Asus phone has 402 ppi. कैमरा की अगर बात करें तो both the phones have a dual camera setup. Zenfone में you get 12 megapixel plus 8 megapixel, whereas in S9 Plus you get a 12 megapixel plus 12 megapixel, and these cameras बहुत ही अलग क्वालिटी के हैं. They have this special feature जहाँ पे according to the light, चाहे वो डे लाइट में हो या नाइट मोड में हो, द एपर्चर एंड द एक्सपोजर चेंजेस अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द S9 प्लस. फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो दोनों ही 8 मेगापिक्सल कैमरा के लहज है, लेकिन S9 प्लस की क्वालिटी थोड़ी बेटर रहेगी. OS की अगर बात करें तो दोनों फोन्स में आपको Oreo 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, सो दोनों ही फोन्स अप टू डेट है ऑब्वियसली. एंड Zenfone में आपको Zen UI, जो उनका कस्टम फर्मवेयर है, वो मिल जाएगा. प्रोसेसर की अगर बात करें तो Galaxy S9 कम्स विथ Snapdragon 845, लेकिन वो US और चाइनीज मार्केट्स के लिए है. इंडिया में आपको Exynos के ही मिलेंगे. एंड वेयर एज Zenfone 5, इनके दो वर्जन है, वी मस्ट टेल यू. तो एक वर्जन लॉन्च होने वाली है अप्रैल में, दूसरी वर्जन जो है वो लॉन्च होने वाली है जून में. तो अप्रैल में जो लॉन्च होने वाली है, दैट विल कम विद SD Snapdragon 636, whereas later जो लॉन्च होने वाली है, दैट विल कम विद Snapdragon 845. तो डिफरेंस जो है प्राइसिंग में डिफरेंस होगी. सो अकॉर्डिंगली जीपीयू में भी डिफरेंस है, whereas S9 कम्स विद Mali G72 and Asus comes with Adreno 845 के साथ 630 and 636 के साथ 509. अगर हम Snapdragon 636 की बात करें तो जैसे हम लोगों ने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि Redmi Note 5 के जितने भी फोन्स है, दे आर Redmi Note 5 Pro में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा, Snapdragon 636 and Adreno 509. So this is going to be a good combination according to us. RAM ROM की अगर बात करें तो S9 Plus में आपको 6GB के साथ 64GB का एक ऑप्शन मिल जाएगा, 6GB के साथ 256GB का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा. Zenfone में आपको ऑप्शंस ज्यादा मिल रहे हैं, 4GB के साथ 64GB, 6GB के साथ 128GB एंड फाइनली 8GB रैम के साथ 256GB का रोम. सो आपको जैसा चाहिए, आपके बजट के हिसाब से आप अपने लिए एक फोन ले सकते हो. सो 6GB इज प्रीटी गुड, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है. एंड दोनों ही फोन्स की जो अगर एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 400GB तक आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, हालांकि वो वाला SD कार्ड आपको मिलेगा नहीं. सो एनी हाउ एक्सपेंडेबल मेमोरी की भी ऑप्शन है. और बैटरी की अगर बात करें तो S9 प्लस थोड़ी बेटर है 3500 mAh के साथ, वेयर एज Zenfone इज एट 3300 mAh. हालांकि दोनों से ही वी आर नॉट दैट सेटिस्फाइड, क्योंकि अभी एटलीस्ट 4000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, बिकॉज द डिस्प्लेज एंड द पिक्सल काउंट्स हैव इंक्रीज सो मच. तो बैटरी को भी उतनी ही पावरफुल होनी चाहिए कि वो वैसी बैकअप दे सके. आप 6 इंचेस की फोन बना देते हो, डेंसिटी काउंट इतनी रख लेते हो और रेजोल्यूशन इतना बड़ा कर देते हो, तो बैटरी को भी थोड़ा सा बड़ा कर दो ना ताकि उसको सपोर्ट दे सके। तो एनी हाउ फास्ट चार्जिंग से ये लहज है, तो देखते हैं क्या होता है। एक्सेसरीज की अगर बात करें तो आपको गैलेक्सी S9 प्लस में एक एक्सेसरीज मिलेगी, दैट इज अ बैक कवर, ट्रांसपेरेंट बैक कवर आपको मिल जाएगा, S9 में भी आपको मिल जाएगा। वैसा कुछ एक्सेसरीज हम लोग को नहीं पता अभी तक कि Zenfone 5 के साथ मिल सकता है कि नहीं। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो दोनों फोन्स में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। S9 में इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि गोरिल्ला ग्लास 5 मिलेगी, और इसमें अभी तक हम लोगों को कौन सी वर्जन मिलेगी पता नहीं, लेकिन गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड होगी। साथ ही साथ दोनों ही फोन्स में आपको अच्छी क्वालिटी की ईयरफोन्स मिल जाएंगे। सैमसंग S9 एंड S9 प्लस में आपको मिल जाएगा AKG के ईयरफोन्स, वेयर एज यहाँ पे आपको DTS हेडफोन X मिल जाएगा। सो दोनों ही हेडफोन्स में आपको अच्छी क्वालिटी के साउंड प्रोडक्शन आपको मिलेगा सुनने को। सो अगर आपके पास कोई प्रीमियम हेडफोन नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको फोन के साथ ही अच्छा हेडफोन मिल जाएगा। जनरली आजकल फोन्स देना नहीं चाहते हैं हेडफोन्स, लेकिन फिर भी ये लोग अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छे क्वालिटी की दे रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो इस वीडियो के लिए अभी तक यहीं तक ही। जैसे जैसे हम लोगों को न्यूज मिलती रहेगी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की, तो हम वैसे वैसे आपको न्यूज देते रहेंगे, नए लॉन्चेस के बारे में कहते रहेंगे। एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपकी कोई फीडबैक हो तो, साथ ही साथ शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अंटिल देन, इंडिया स्टे क्लासी, जय हिंद, वंदे मातरम।